एक जीप पर फिट की हुई एक आरसीएल गन और इसका मुकाबला एक पैटर्न टैंक से। बारूदी ताकत के अनुसार अगर आप तुलना करें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इसकी एक खासियत थी पैटर्न टैंकों के ऊपर, वो ये कि ये तेजी से आगे पीछे हो सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपनी रफ्तार बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए इसमें बैठे हुए सैनिकों की चतुराई। वीर अब्दुल हमीद ऐसे ही एक सैनिक थे। गन्ने की फसल की आड़ लेते हुए वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन की टैंक की ओर मोड़ा, लेकिन टैंकों के सामने बंदूकों की सीमित शक्ति को देखते हुए दुश्मन के कम से कम 30 कदम की दूरी पर आने की प्रतीक्षा करना था। जैसे ही पहला टैंक करीब आया, अब्दुल हमीद ने अपने लोडर को गोला लोड करके फायर करने को कहा। टैंक में जोर का धमाका और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आग देखकर पीछे के दो टैंकों में सवार पाकिस्तानी सैनिक कूद कूद कर भागने लगे, लेकिन 1.5 घंटे के भीतर दोबारा तोपों की बमबारी शुरू हो गई। अब्दुल हमीद ने देखा कि एक बार फिर 3 पैटर्न टैंक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने फिर वही रणनीति अपनाई, नजदीक आते ही ऐसा निशाना लगाया कि दूसरा टैंक भी जल उठा और उसके पीछे के 2 टैंकों को छोड़कर पाकिस्तानी भाग गए। टैंक के मुकाबले जीप पे फिटेड रिकॉयरलेस गन काफी वर्नेबल थी। जिस तरह टैंक क्रॉस कंट्री मूव, हाई रेट ऑफ फायर और आर्मर प्रोटेक्शन जैसी तकनीक से दुरुस्त था, वही जीप के ऊपर फिट रिकॉयरलेस गन के पास लिमिटेड मोबिलिटी, लिमिटेड फायर पावर और ना के बराबर लोकल प्रोटेक्शन था। रिकॉयरलेस गन का ये एडवांटेज था कि वो छोटी से छोटी जगह से आसानी से जा सकती थी और टैंक उसको स्पॉट नहीं कर पाता, जिससे वो टैंक के ऊपर टारगेट कर उसको मारकर आसानी से कहीं भी आ जा सकती थी। उधर तीसरी कैवलरी के जवान भी पाकिस्तानी पैटर्न के छक्के छोड़ा रहे थे। कहने को तो भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध के पुराने टैंक थे और पाकिस्तानियों के पास नए अमेरिकी पैटर्न, लेकिन वो पटखनी खाए जा रहा था। आमने सामने की जंग में भारत के सेंचुरियन टैंकों ने 5 पैटर्न और 1 चाफी को कबाड़ में बदल दिया। जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो इसके लिए ट्रेन नहीं थे, उनको तो टैंक पकड़ाई, ये सोचे कि पुराने टाइप ऑफ टैंक होगी, उनको पता नहीं लगा कि माय गॉड ये तो ऑटोमेटिक है सब कुछ। अब आप जानते हो कि अपने नॉर्मल जवान को आप ऑटोमेटिक विदाउट डिसिप्लिन पकड़ा देते हो तो फिर क्या होता। पाकिस्तान को न केवल मात मिल रही थी बल्कि शर्मिंदगी भी उसके हिस्से आ रही, उसे एक और मोर्चे से पीछे हटना पड़ा। उस रोज भारतीय सैनिक बहुत उत्साहित थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे भी बटालियन का मुकाबला समूचे पाकिस्तानी ब्रिगेड से था।